या सगळ्या विषयी जाणून घेण्यासाठी आपण नेटवर्क 18 च्या हैदराबादच्या कंट्रोल रूम मध्ये जाणार आहोत. कंट्रोल रूम तिथे तयार करण्यात आलेली आहे. हम आपण जाऊया थेट राहिल पाशा यांच्याकडे. ते आपल्याला या सगळ्या विषयीची अधिक माहिती देणार आहेत. राहिल जी. जी, ये हैदराबाद का कोरोना कंट्रोल रूम है जिसको आप देख रही हैं, और यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है और इस नतीजे पर पहुंची है कि जो हमारे कॉलर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनके जवाब दे रहे हैं. हम जो है अपने कुछ साथियों से इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. हमारे साथ जो है हमारे एक कोलीग हैं संजय जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के कॉल उनके पास आ रहे हैं. जी संजय जी, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपके पास किस तरह के कॉल आ रहे हैं और उसका समाधान किस तरह से किया जा रहा है. देखिए, अभी हमारे पास एक लेटेस्ट कॉल आया है जिसमें कॉलर दिल्ली का है, हरिहरण, 70 वर्ष उनकी उम्र है जी. वो बोल रहे हैं कि वो जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में हैं, उनके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में एक फैमिली आई है यूरोप से जी. कौन से देश वो तो नहीं बताए. वो पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो गई, ये लोग भयभीत हो गए हैं. बट एट द सेम टाइम चूंकि नेबर है उनके, तो दे वांट टू हेल्प देम बट दे डोंट नो हाउ टू हेल्प देम, है ना. लेकिन एक शिकायत साथ में ये भी कर रहे हैं कि वो लोग जो कपड़ा धोकर फैला रहे हैं तो उसका पानी इनके बालकनी में टपक रहा है, और इनके घर फ्लैट के सामने दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन लिख दिया है, दिस फैमिली हैज बीन क्वारंटाइन. तो ये चाह रहे हैं कि कैसे हेल्प करें. तो मैंने तो इन्हें यही कहा कि जब दिल्ली सरकार ने इसको नोटिस ले लिया है तो अभी ये ऐसा टाइम है कि आप उन मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना है. तो दिल्ली सरकार चूंकि जिम्मेदारी ले ली है तो आप निश्चिंत रहिए. वही लोग अब कैसे मदद करना है, क्या करना है, उसमें ये लोग कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते. हाँ, ये बात है. तो और कुछ और दूसरी तरह के कॉल जो इमोशनली जुड़े हों चैनल से. अब इमोशनली जैसे अभी एक लॉकडाउन का है, अभी एक बेंगलोर से एक लड़का फोन करके बोल रहा है कि उसका कोई फ्रेंड है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोटा में फंस गया है, अब उसको घर जाना है. अब वो कैसे जाए घर ये लॉकडाउन में, तो अभी क्या बोला जाए इसमें. ये तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पैदा हो गया है, अचानक हो गया है, तो लोग फंसे हुए हैं. ठीक है संजय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आइए हम अपने कुछ और साथियों से बात करते हैं. हमारे साथ है धीरज जी, उनसे भी बात करते हैं. ये भी जो है हमारे साथ में लगे हुए हैं दिन रात. इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये बताइए धीरज जी कि आप भी जो है सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, लोगों के कॉल रिसीव कर रहे हैं, उनका समाधान करवा रहे हैं. कोई ऐसा सवाल बताइए जो आपके दिल को टच कर गया हो. देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं, लोगों क्या है, लोगों में सबसे ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है. उसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग गांव पहुंचे हैं तो लोगों में भय हो गया कि वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि आप आइसोलेशन में हो जाइए, ये हो जाइए. यहाँ तक कि आपस में जो रिश्तेदार भी हैं, परिवार भी हैं, माता पिता भी हैं, वो भी अपने बच्चे से कैसे मिलें. तो बड़ी भावुक सिचुएशन है. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आपके टीवी के माध्यम से, न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से हम टीवी पर जागरूक हो रहे हैं लगातार, और उसी हिसाब से उनको निर्देश दे रहे हैं कि भाई आप है ना इतना दूरी बनाइए, आप 14 दिन हमसे दूर रहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं. जी जी, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया. एक और हमारे साथी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं. जी, आप भी जो है हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि दिन रात सवालात आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान भी कर रहे हैं. आप अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर कर रहे हैं. मेरे पास जितने सारे सवाल आ रहे हैं उसमें कई सवाल ऐसे हैं, जैसे उनका कहना है जो हम मास्क यूज कर रहे हैं उसको फेंक दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसे क्या कोरोना फैल सकता है, और हम मास्क यूज, हाँ मास्क यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो इसको फेंका जाएगा. तो उनका कहना है कि जो फिर कोई ना कोई संपर्क में आएगा ऐसा. और कुछ लोग का कहना है कि क्या कोरोना गाँव में फैल सकता है, हवाओं में, क्या खिड़कियां बंद कर रखें, क्या बाहर घूमने टहलने में. इनको मतलब उनको पूरी जानकारी, हाँ पूरी जानकारी कि मतलब कोरोना क्या फैलता कैसे, मतलब कि सर्दी जुकाम हो गया मेरे, मुझे कोरोना हो गया ऐसा, और क्या कोरोना होने के बाद क्या जिंदा रहने की संभावना है, कोई इसका उपाय, मतलब बहुत डरे हुए हैं. इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं ऐसा नहीं, आपको ऐसा होता है तो आप जाके अपने लोकल हॉस्पिटल्स या कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर मुलाकात करिए, जरूर आपको सहायता की जाएगी. तो मेन चीज है कि उनके अंदर अवेयरनेस जो है जगाना जरूरी है, जागरूकता लाना, जागरूकता जरूरी है. और कई सारे सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं दारू पीने से क्या कोरोना ठीक हो जाएगा, तो उनको ऐसा कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. आप पहले कुछ हो
तो अपने नज़दीकी लोकल डॉक्टर या कहीं ना कहीं जाके उनसे पहले मुलाकात करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। श्रोणा, एक और हमारे साथी हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका जो है एक्सपीरियंस जो है कॉलर के साथ कैसा रहा, जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, आप भी जो है क्वेश्चन जो है जो प्रश्न है उनको सिलेक्ट करके मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो हमारे साथ शेयर। देखिए, इसमें कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता तो लोगों में काफ़ी कम है, क्योंकि वो लोग कभी कभी कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जो कि मतलब कि जैसे आम सर्दी खांसी जुकाम हो जाने पर क्या कोरोना वायरस हो सकता है, जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे लोग क्या है कि जो आलू प्याज के दाम बढ़ गए उसको लेकर भी यहाँ पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए हमें। कुछ सवाल ये भी होते हैं कि कोई मुंबई दिल्ली से आ गए हैं यहाँ पे, क्या उन लोगों को कोरोना वायरस है, हमें कहाँ जाना चाहिए, इसका क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा और चीज़ ये है कि लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी उतना अवेयर नहीं है, उनको पास जाया जाए, वो हमारी मदद करें, उसको लेकर भी दहशत है। इसके अलावा लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे गली मोहल्लों में लोगों में काफ़ी डर है कि क्या होगा, कैसे इसका समाधान होगा, इसको लेकर अवेयरनेस कम है। तो हमको यही लगता है कि वहाँ का जो प्रशासन है चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उनको आगे आना चाहिए और उनको खुल के बताना चाहिए कि क्या कैसे हम इन चीज़ों को मतलब जो जागरूकता नहीं है लोगों को फैला के इसको बताया जाए। देखिए, एक्चुअली में जो वायरस जो है ये क्या है कि अगर आप खुद को आइसोलेट करते हैं तो आप जरूर बच सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं तो आप बच सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जो इस चीज़ों को नहीं जानते हैं। इन्हें जो बेसिक चीज़ है वो जागरूकता फैलाना जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी जो ऐसी फेक खबरें हैं जो कि जिसका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई भी इसका अस्तित्व नहीं है, कोई भी इसका प्रमाण नहीं है, उसको लोग मान रहे हैं कि क्या दवा छिड़का जा रहा है, क्या हवा में वायरस फैल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको लेके लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनसे हम एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है हमारा चैनल देखते रहें और चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर बिलीव करें। छोड़ना, आपने देखा कि जो हमने अपने कोलिग से जो सवालात पूछे, जो हमने प्रश्न पूछे हैं, सबका लगभग एक ही जवाब मिला है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जागरूकता उनके अंदर नहीं आ पा रही है, जो कि हमारा चैनल काम कर रहा है कि उनको जागरूक कर रहा है, उनके क्वेश्चंस के उनके प्रश्नों के जवाब दे रहा। छोड़ना, नेटवर्क 18 का की ये बहुत बड़ी पहल है राहिल जी, आप सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दूसरों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच राहिल जी।